नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स वन में। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपीटेड सीरीज पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी अपना वीडियोस अपलोड हो, नए वीडियोस, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो अपने को सिंपली क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें सबसे इजी ट्रिक क्या है, इसमें नंबर्स काउंट करें कितना अल्फाबेट्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 को हम दो भाग में बांटेंगे। किससे से जाएगा, एक जाएगा 4 into 4, ठीक है। 4 into 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इससे क्या है, इससे अपने को इजी हो जाएगा पैटर्न को फॉर्म करने के लिए। चलिए पहला पैटर्न देखते हैं क्या आ रहा है, H डैश E G। तो E से पहले क्या आ रहा है, देखिए E से पहले F, E से पहले F, इधर क्या आ जाएगा F, ठीक है। और F से पहले क्या है G, F से पहले H है, इधर भी आ जाएगा H। तो इस फॉर्म में क्या आएगा H, और E से पहले क्या आ रहा है F, इसमें भी E से पहले F आ जाएगा। अब देखिए क्या पैटर्न बना, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, तो क्या जाएगा एच एफ ई लास्ट वाला अपना आ जाएगा। तो अपने क्या बन गया एच एफ एफ जी, जो कि पैटर्न ऑप्शन नंबर डी है। हो क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हूँ। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पैटर्न बनाना है अपने को। देखिए तो पहले तो नंबर्स काउंट करें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 5 और 5 into 4। आइए पहले से चेक करते हैं क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे। देखिए ये पूरा पैटर्न बना हुआ है सी सी बी, उससे पहले क्या आ रहा है ए, ठीक है। अब ए बी सी, ठीक। अब इधर देखिए ए बी सी सी, तो क्या आ जाएगा ए बी सी सी, ठीक है। अब देखिए ए बी सी, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, तो इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी सी। अब इस वाले में देखिए ए डी ए बी सी ए बी सी, तो इसमें क्या आ जाएगा ए बी सी। तो अपना ऑप क्या निकल गया, सी सी ए सी, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन में अपने क्या करना है, सेम काउंट करना है नंबर्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 into 3 और 3 into 5। तो इससे पहले चेक करते हैं 5 into 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब पैटर्न देखिए क्या है, दो सीक्वेंस कौन सा है, ए और सी, ठीक है। तो अपने को पता है ए से पहले क्या आएगा सी, तो ए से पहले क्या आ जाएगा सी, ये निकल गया। अब देखिए ए सी सी, तो ए सी सी, तो यहां पर भी आ जाएगा अपना सी। अब क्या लिखे, B के बाद क्या आ रहा है C, उसके बाद C, तो B के बाद क्या आएगा C,
ठीक है, बी सी सी, बी सी सी नहीं, ट्रिपल सी हो जा रहा, तो ये इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें हो गया आपका बी सी 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 ए सी ए ए बी सी। अगर यहाँ सी डालते हैं तो सी सी के बाद क्या आ रहा है, बी, क्या बन गया ए बी सी सी, तो यहां क्या आ जाएगा ए बी सी सी, अब यहां ए बी सी सी, तो अपने क्या बन गया ए सी ए सी सी बी। यहां पे आएगा आपका पैटर्न बनेगा ए, देखिए डबल ए बी सी सी, डबल ए बी सी सी, डबल ए बी सी सी, तो यहां पे अपना आ जाएगा ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए सी ए सी ए बी, ऑप्शन नंबर बी। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 into 5 5 into 3, इसे चेक करते हैं, यानी 3 3 का ब्लॉक हो जाएगा 5 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए सी सी से पहले क्या आ रहा है B, C से पहले B आया, C से पहले B, पैटर्न क्या बना A B C, B C A, अब B B से पहले A है, B से पहले A, ठीक, और A से पहले क्या है C, C से पहले B, और B से पहले क्या आ रहा है A, तो अपना पैटर्न क्या बना A B C B P, क्योंकि ऑप्शन नंबर अपना A, ठीक है समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 4 into 3 3 into 4, इसे चेक करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस वाले में दिख रहा है कि अपने को F से पहले G, G से पहले F, इसमें कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे चेक करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए G से पहले क्या आ रहा है F, तो G से पहले क्या आ जाएगा G से पहले F, जी से पहले F आ गया, और इसमें देखिए F के बाद क्या आ रहा है, F के बाद G, F के बाद G, F के बाद G, F से पहले क्या आया, F से पहले E, तो पैटर्न आपने क्या बना F G E G, क्योंकि ऑप्शन नंबर अपना B है। होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दिखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन है सबसे इजी। इसमें कितना नंबर्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 8 into 2 2 into 8, इसे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए M M, इसमें पैटर्न बनने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसे चेक करते हैं 2 8 से 1 2 1 2
1 2 1 2 ठीक है, इससे इजीली आपको निकल जा रहा है डबल एम तारीख क्या होगा एम एम एन डबल एन डबल एन डबल एन डबल एन ठीक है। तो पैटर्न क्या बन गया अपना एन एन एम एम क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है ठीक है। वो समझ में आ गया होगा ट्रिक्स, इजी था ज्यादा क्वेश्चन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, होप आपको आज का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।